उधर दिल्ली में यूपी बीजेपी की बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन यात्रा को लेकर 6 सभाएं होनी हैं, इसको लेकर चर्चा हुई है, चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। केएनयू संवाददाता अमित दुबे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है, दिखा रहे हैं आपको। यूपी चुनावों को लेकर एक बार फिर बीजेपी की दिल्ली में बैठक हुई। केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि परिवर्तन रैली चूंकि आपकी लगातार चल रही है, उसके बावजूद बैठक क्या कुछ रहा? देखिए, बैठक का एक उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री जी की परिवर्तन यात्रा के मार्ग में 6 सभाएं होनी है। उन सभाओं की तैयारी को लेकर के, उन सभाओं की सफलता को लेकर के, उस सभा में के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के अंदर कमल खिलाने की रणनीति, उसको लेकर के आज हम बैठे थे। प्रदेश में 200 स्थानों पर हमारे पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन होने वाले हैं, उसको लेकर के भी चर्चा हुई। सभी 92 जिलों में संगठन रचना में जो हमारे युवाओं के, महिलाओं के सम्मेलन होने वाले हैं, उनकी सफलता को लेकर के भी चर्चा हुई। और भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम लोगों ने चर्चा की है। और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, 300 से अधिक सीटों पर भाजपा विजयी हो, सपा बसपा से यूपी मुक्त हो बनाए। सपा की रजत जयंती में मंच पे जो दिखा, खासतौर पर महागठबंधन की बात करें, क्या उसे लेके भी बीजेपी चिंतित है? भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर क्यों चिंतित होगी? हम देख रहे हैं सपा बसपा को खत्म करने के लिए जनता तैयार बैठी है। हम लोगों का जो प्रयास है, जो परिश्रम है, वो सफल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस समय भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए, हर बूथ पर भाजपा को जिताने के लिए मेहनत कर रहा है। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि 2017 में बीजेपी की लहर चल रही है। रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन का हश्र लोग देख चुके हैं। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज दिल्ली।